और इस मशीन में एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हम लोग कभी पहले नहीं आता था, आज अभी आ रहा है, बहुत दिन से आ रहा है, क्या दूसरी कंपटीटर में नहीं है। इसमें क्या लाइव लिंक, लाइव लिंक क्या है, 24x7 आप मशीन के साथ हैं। आपके पास अगर 10 मशीन भी है तो आपको उसको देखने के लिए कहीं जाने का जरूरत नहीं है, आप मोबाइल में लाइव लिंक ऐप को ये करके देख सकते हैं। इसमें क्या है कि आप उस मशीन में अभी मशीन कहाँ है, अभी चल रहा है कि बंद है, चल रहा है तो कितना घंटा चला है अभी, या हमारे बिना अनुमति का आप जियो फेंसिंग भी कर सकते हैं कि मेरे अनुमति के बिना मशीन अगर बाहर जाएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा और मशीन का लोकेशन जो है वो भी आप जान सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अभी जैसे कि मेरे सामने देख रहे हैं, मेरे आसपास, मेरे पीछे जितनी भी मशीनें लग रही है, इसको देखने के बाद दिमाग में सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है जेसीबी। बट क्या आपको पता है कि जेसीबी एक ब्रांड का नाम है, ना कि मशीन का नाम। तो जैसे कि मेरे सामने आप जितनी भी मशीनें देख रहे हैं, फॉर एग्जाँपल ये वाला जो मशीन देख रहे हैं ये है बैकहो लोडर, ठीक है। तो इसका जो पर्टिकुलर मॉडल नंबर है वो है 3DX। बट यहाँ पे जितने भी मशीन लग रहे हैं सब आपको देखने में भले ही कॉमन लगे बट सब ही डिफरेंट है। आइए जानते हैं क्या क्या डिफरेंट है, क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं, क्या पार्टिकुलर इसका प्रोडक्ट का फीचर्स होने वाला है, क्या प्राइसिंग होने वाला है, सारा कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो गाइस, ये जो अभी पार्टिकुलर मॉडल मेरे सामने देख रहे हैं ना, इसको देखने के बाद सबसे पहला दिमाग वही आता है कि ये जेसीबी है। बट देखिए, जेसीबी नहीं है, ये जेसीबी इसका ब्रांड का नेम है, ठीक है। ये जो पार्टिकुलर मॉडल है, क्योंकि जेसीबी बहुत सारे इक्विपमेंट बनाती है, बहुत सारे, शायद आपने नहीं देखा बट अगर आप जेसीबी को नेट में सर्च करेंगे ना, उसका बहुत ज़्यादा मल्टीपल आपको प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये बात करूँ इस पार्टिकुलर मॉडल का, तो ये है बैकहो लोडर, जिसका जो वेरियंट देख रहे हैं ये 3DX वेरियंट है। इसका बहुत सारे ऐसे वेरियंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए आइए जानते हैं इस पार्टिकुलर मॉडल में क्या खास बात है जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा ये मॉडल बिकती है। और ये मैं हकीकत बता रहा हूँ कि इंडिया में अगर आप देखेंगे कि अगर किसी को मशीन लेना है ना, और ये वाला मशीन लेना है, तो सबसे ज़्यादा जो लोग प्रीफर करते हैं वो यही मॉडल को करते हैं। तो चलिए इसमें क्या ऐसे खास बात है वो मैं आपको चल के बताता हूँ। तो चलिए इसके फीचर्स के बारे में मैं बुलाना चाहूँगा इस शोरूम के सेल्स एग्जीक्यूटिव को, ताकि वो आपको एग्जैक्ट डिटेल्स इसके फीचर्स के बारे में बता सकते हो। सर प्लीज़ वेलकम, हमारे फ्रेम में आ जाइए सर। हेलो सर, तो एक बार सर इंट्रोडक्शन अपने दे दीजिए हमारे व्यूवर्स को। मेरा नाम राजीव रंजन है, मैं यहाँ सेल्स डिपार्टमेंट देखता हूँ। और अभी अगर हम जेसीबी की बात कर रहे हैं, जैसे सर ने बताया था जेसीबी मशीन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो ये जेसीबी नहीं, इसको हम लोग बैकहो लोडर बोलते हैं। और ये जो मशीन है ये महाबचत वाली मशीन है, इसलिए ये महाबचत वाली मशीन इसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि ये मशीन मतलब ऑपरेटर ग्रेड का जितना भी कस्टमर है या जो भी कस्टमर हायरिंग सेगमेंट का है, जो भाड़ा पे मशीन चलवाता है, उसके लिए ये 3DX बेस्ड मशीन है, क्योंकि ये 3 से 3.5 लीटर तेल कंज्यूम करती है। जेसीबी की इंजन है 1 आवर, हाँ 1 आवर में 3 से 3.5 लीटर तेल कंज्यूम करती है। और इस मशीन को अगर आप पूरी तरह से देखेंगे तो इससे बड़ी जो मशीन आती है, इसके बड़ी मॉडल जो आती है वो 3DX प्लस है। और ये मशीन और वो मशीन दोनों देखने में सेम लगती है। अच्छा। बट ये 3DX मशीन जो है 21 में यहाँ पे लॉन्च हुआ था, 49 HP का है ये, बहुत ही मतलब हमारा फ्यूल कंजम्पशन अच्छा देता है। और इस मशीन में और ख़ास बात यह है कि अगर हम इसकी बूम की लंबाई देखेंगे, ये बूम की लंबाई आप देखें वो 4.77 मीटर है, ये काफ़ी अच्छा डिगिंग डेप्थ तक, अच्छा, ये डीप तक वो डिग कर सकता है। हाँ, डिग कर सकता है, और इस जिससे कस्टमर को अच्छा दूरी तक डिगिंग डेप्थ मिल जाता है। और अगर आगे लोडर की बात करें तो लोडर में जो है ये 2.74 मीटर तक हाइट में लोडिंग कर सकता है, जी जी जी। और लोडर का बकेट का जो साइज है, वो बकेट साइज जो है वह 1.1 क्यूबिक मीटर का है। इसका पेलोड कैपेसिटी 1.8 टन का है, 1.8 टन तक का माल को ये उठा सकता है, उतना वेट का कैपेसिटी ये कैरी कर सकता है, जी जी बिल्कुल। और इसमें देखिए सबसे बड़ा बात क्या है, इसमें हम मशीन में जो देते हैं, इसमें चेचिस वगैरह जो देते हैं, इस चेचिस में 16° का एंगल रहता है कि अगर देखिए अभी जो मशीन खड़ी है वो इस टाइप की खड़ी है, बिल्कुल ये मशीन मिट्टी में कीचड़ में जल्दी फंसता नहीं है। ये बात आप सही कहें, क्योंकि ये जो मशीन है वो एक्चुअली कीचड़ वगैरह में ही ज्यादातर यूज होती है, जहाँ पे रोड नहीं है, कंस्ट्रक्शन काम में ज्यादातर यूज होती है, तो वहाँ पे प्लेन सरफेस तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो उसके लिए ये जो आप बताएं कि ऐसा एंगल देकर के इसको बनाया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें और सबसे बड़ी खूबी क्या है इस मशीन का, कि आप देखेंगे कि पहले वाली जो मशीन आती थी ना, उसको हर 2000 घंटा में पूरा हाइड्रोलिक चेंज करना पड़ता था। अच्छा, इसमें जितने भी हाइड्रोलिक ऑयल वगैरह है सारा कुछ, हाँ 2000 घंटा में चेंज करना पड़ता था। बट अभी इसमें वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप लगाया है, जिसके कारण
क्या होता है कि कस्टमर लोग को 4000 घंटा में हाइड्रोलिक चेंज करना होता है, मींस डबल डबल हो गया। तो उससे क्या हुआ कि फायदा सही कस्टमर को बेनिफिट हुआ। ये तो ये मतलब एक चीज बता दीजिए सर कि ये जो है ये ना कि किलोमीटर पे चलता है, ये आवर पे चलती है मशीन। बिल्कुल सही है। एक्चुअली ये मशीन जो है आवर पे चलती है, जैसे कुछ कस्टमर 900 रुपये घंटे पे चलाते हैं, कुछ कस्टमर 800 रुपये घंटे पे चलाते हैं। तो ये कस्टमर पहले क्या था ना कि 4 से 5 लीटर के आसपास फ्यूल कंज्यूम करती थी 3DX। अब जो आई है 3DX अभी वाली, ये 3 से 3.5 लीटर कंज्यूम करती है। उसमें क्या है कि कस्टमर को पर आवर डीजल में ही जो है करीब 150 रुपया का बचत हो जाता है, बचत हो जाता है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वाले मॉडल। प्रीवियस वाले अभी नए वाले में यही खास है कि इसमें जो आप जो आवर होती है आई थिंक पर आवर 2 लीटर हम बचा सकते हैं। डेढ़ से दो लीटर अगर आप बच रहे पर आवर, तो आप देखे होंगे जहाँ कहीं पे भी मीन्स काम चलते हैं वहाँ पे 1-2 आवर का तो काम नहीं होता है, कुछ 6-7-8-8 इवन 1-1 दिन तक का काम चलता है। तो उस केस में अगर आप 1.5 घंटा मीन्स 1.5 लीटर पर आवर के हिसाब से बता रहे हैं तो दिन भर में आई थिंक 15-20 लीटर 30 लीटर आराम से। बिल्कुल बिल्कुल। और जानते हैं इसमें जो पंप दिया हुआ उसको लोड सेंसिंग पंप कहते हैं। उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, जब हम मशीन स्टार्ट करते हैं, ये पूरी तरह से मशीन स्टार्ट करने के बाद इसका जो हाइड्रोलिक पंप है, जब तक हम लीवर नहीं देंगे तब तक हाइड्रोलिक पंप ज़्यादा मूवमेंट करेगा नहीं, जिसके कारण क्या ये पाइप्स वगैरह ज़्यादा प्रेशराइज नहीं रहता है, तो पाइप्स के फटने की संभावना भी कम रहती है। तो थोड़ा ये टेक्नोलॉजी अभी लाया है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। सर फ्यूल कैपेसिटी इसका क्या होने वाला है, डीजल कितना ज़्यादा हम इसमें रख सकते? डीजल जो टैंक है, डीजल टैंक की कैपेसिटी 128 लीटर होती है। आप एक बार भराइए पूरा दिन भर चलाइए। ये अच्छा है कि आपको बार बार रिफिलिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार अगर आप रिफिल करवा लेंगे तो आपका पूरा दिन का काम हो जाएगा। और वैसे भी ये सारे इक्विपमेंट में तो डीजल खुद कैरी करके लाया जाता है, ना कि आप पेट्रोल पंप पे, जैसे कि हम लोग डीजल पेट्रोल पंप वगैरह में जाके कार में रिफिल कराते हैं, तो ये सारा चीज के लिए तो आपको जाने की भी जरूरत नहीं है। और इसमें ऑपरेटर कम्फर्ट का भी बहुत ध्यान रखा गया है, केबिन भी इतना स्पेसियस बनाया है, इतना कम्फर्टेबल सीट्स वगैरह इसका है। अभी आप जो केबिन देख रहे हैं ये केबिन काफी स्पेसियस केबिन है। इसमें क्या है कि एक ऑपरेटर और एक उसका हेल्पर भी आसानी से बैठ सकता है, आराम से चल सकता है। और आप देखिए इसमें सबसे बड़ी अभी यहाँ झारखंड में जितनी मशीनें बिकती है, मैक्सिमम मशीनें हैवी ड्यूटी टायर के साथ बिकती है। ये जो टायर आप देख रहे हैं ये टायर 14-25 का टायर का साइज है, जो कि आपका हैवी ड्यूटी टायर है। हैवी ड्यूटी टायर में क्या होता है कि यहाँ का जो ज़मीन है वो पथरीला ज़मीन है, तो पथरीला ज़मीन में अगर हम लोग गोटी वाला टायर देंगे तो वो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे जितनी सारी मशीनें देख रहे हैं एक भी आपको इंडस्ट्रियल टायर नहीं मिलेगा, सारा हैवी ड्यूटी टायर है जिसका 14-25 साइज है। ये देखिए दो स्टेबलाइजर लगा हुआ है इसमें, एक इधर है स्टेबलाइजर, एक इधर है। इसमें जैक की ज़रूरत नहीं होती, अगर आपका टायर पंचर हुआ तो ये आराम से जो है ये जैक ऊपर उठ करके दोनों काम कर सकता है। ये देखिए अगर किसी को मान लिया जाए यहाँ पे लास्ट एरिया है, इसके बाद गड्ढा है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये इधर नीचे आकर के भी डिगिंग कर सकता है, तो इसमें ये बेनिफिट दिया अच्छा हुआ है। ये मतलब बहुत तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, मल्टी जैसे भी आपका सिचुएशन हो उस हिसाब से आप इस मशीन को बेसिकली यूज कर सकते हैं। चलिए बहुत ही बड़ी बात है। और चलिए सर ये बेसिकली देखिए बैको बकेट दिया है, बड़ा दिया है, 0.26 क्यूबिक मीटर का बैको बकेट है। ये बकेट इसमें 5 दाता लगा हुआ है, ताकि कस्टमर को दिक्कत नहीं हो। तो चलिए आइए इसके अंदर चल के देखते हैं कि अंदर कैबिन कैसे होने वाला है। तो चलिए एक बार इसके अंदर चलते हैं, तो एंट्री एग्जिट में भी यहीं से लेना होगा ना सर? 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट है यहाँ पे, देखिए ऐसे पकड़ के आराम से एक पैर रखिए, दूसरा यहाँ पकड़िए, आराम से चलिए ताकि स्लिप भी नहीं करे, उसके लिए दिया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एंट्री एग्जिट बहुत ही आराम तरीके से मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, एंड ये कुछ कैबिन का नजारा है। एंड कैबिन में आने के बाद आपको अच्छा खासा स्पेस देखने को मिल रही है, कंफर्टेबल का ध्यान रखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसके ड्राइवर होंगे, जो ऑपरेटर होंगे सॉरी, उनके लिए प्रॉपर यहाँ पे फैन वगैरह दिया गया है, बहुत सारे लीवर्स मिलेंगे यहाँ पे। जो केबिन के अंदर है आप देख सकते हैं कितना कम्फर्टेबल केबिन है, एक आदमी आराम से यहाँ बैठ सकता है, इधर भी बैठ सकता है। यहाँ पे सामान रखने के लिए भी बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर सामान हम लोग रख सकते हैं। और आप इधर देख सकते हैं यहाँ पे इसको हम लोग एक्सेलरेटर लीवर बोलते हैं, इसको एक्सेलरेट करते हैं। और यहाँ पे देखिए इधर इस साइड ये आपका बैकहो का लीवर दिया हुआ है, इससे बैकहो का वर्क होता है। और इधर ये लोडर का लीवर दिया है, ये इसको पार्किंग ब्रेक भी दिया है, पार्किंग ब्रेक इसको हम लोग कहते हैं। यहाँ पे ट्रिप मीटर भी दिया हुआ है, इंफॉर्मेटिव क्लस्टर इसको हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या है कि कोई भी प्रॉब्लम होगा तो इसमें रेड जल जाएगा, तो
क्योंकि ऑपरेटर वगैरह ज़्यादा पढ़ा लिखा अगर नहीं रहता है तो कम से कम उसको रेड येलो से समझ में आ जाए कि रेड जलाया यानी कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है, सही बात, प्रॉब्लम है। इसमें देखिए रनिंग के लिए अलग दिया हुआ है, वर्किंग के लिए अलग दिया हुआ है, ये सब लाइट वगैरह दिया हुआ है, फैन का दिया हुआ है। यहाँ पे एक SOS, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्विच है, अगर आपका ऑपरेटर कहीं फंस गया, मोबाइल नहीं लग रहा है, कोई दिक्कत है, तो आप इसको ऐसे दबाएंगे तो ये मालिक जो है इस गाड़ी का उसको इन्फॉर्मेशन चला जाएगा कि हमारा ऑपरेटर तकलीफ में है। और इस मशीन में एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हम लोग कभी पहले नहीं आता था, आज अभी आ रहा है, बहुत दिन से आ रहा है, क्या दूसरी कंपटीटर में नहीं है, इसमें क्या लाइव लिंक। लाइव लिंक क्या है, 24x7 आप मशीन के साथ हैं, आपके पास अगर 10 मशीन भी है तो आपको उसको देखने के लिए कहीं जाने का जरूरत नहीं है, आप मोबाइल में लाइव लिंक ऐप को ये करके देख सकते हैं। इसमें क्या है कि आप उस मशीन में अभी मशीन कहाँ है, अभी चल रहा है कि बंद है, चल रहा है तो कितना घंटा चला है अभी, या हमारे बिना अनुमति का आप जियो फेंसिंग भी कर सकते हैं कि मेरे अनुमति के बिना मशीन अगर बाहर जाएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा, और मशीन का लोकेशन जो है वो भी आप जान सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी होता क्या है ना कि अगर आप किसी ऑपरेटर को देते हैं, अगर वो ऑपरेटर भरोसेमंद नहीं है, हो सकता है आपकी मशीन को रात में बोल रहे हैं कि लगा दिए हैं और वो मशीन को कहीं और ले जाके काम कर रहा है, तो भी आपको क्या है कि सिग्नल आपको मिलता रहेगा, मैसेज आपको प्रॉपर मिल जाएगा कि आपकी जो व्हीकल है, आपकी जो मशीन है वो अभी काम चालू है उसका, या फिर वो कहीं वर्किंग में है और कहाँ पे है वो भी आपको लाइव लोकेशन मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये सारा चीज होता है ये कमर्शियल व्हीकल, ये तो घर में कोई कार वगैरह है नहीं कि आप घर में लगा दिए चलिए, ये काम करने के लिए ही है। तो कितना काम आप इससे कर रहे हैं तो प्रॉपर आपको उसका बारे में नॉलेज होना चाहिए कि अभी आपकी मशीन कितना देर चला, कितना इनकम आया, सारा कुछ आप इसको बेसिकली आप घर बैठे ही ले सकते हैं, कहीं जाने की भी जरूरत, एक महीना का भी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलेगी। देखिए ये लाइव लिंक है, इसमें हम मशीन नंबर डालेंगे, सारा परसेंटेज वगैरह सब कुछ बता देगा, कितना परसेंट में सारा कुछ है, ये सारा कुछ डिटेल इसमें बता देगा। और इसमें सबसे बड़ी और अच्छी चीज़ ये है कि आप 24x7 इसके साथ है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और फाइनेंसर कोई फंडिंग करने में दिक्कत नहीं, अगर कोई फाइनेंसर फंडिंग किया है और उसका किस्ती नहीं जा रहा है तो वो आराम से मतलब फाइनेंसर पता कर सकता है कि मशीन कहाँ है, इस मशीन को वो छुपा नहीं सकता है। ये भी बहुत बड़ी बात है। तो सर फीचर्स तो आपने जैसे कि प्रॉपर बता दिए, अब इसके बारे में बताइए कि ये क्या पड़ने वाला है, क्या प्राइसिंग होने वाला है, क्या वेटिंग पीरियड है इसका? देखिए वेटिंग पीरियड में 3DX तो हम लोग स्टॉक में रखते हैं, और प्राइस की जहाँ तक बात करें तो अगर एक्स शोरूम प्राइस इसका करेंगे तो इसका 31,65,000 एक्स शोरूम प्राइस है। तो अगर कस्टमर 20% डाउन पेमेंट भी देता है तो हम लोग उसको फंडिंग 5 साल के लिए करवा देते हैं, जो कि करीब 55,000 से 58,000 रुपये के आसपास EMI आता है। अभी बरसात का भी टाइम आ रहा है, बरसात का टाइम में अगर कोई कस्टमर लेना चाहता है, बोलेगा बरसात है तो हम कैसे किस्ती देंगे, तो उसको 2 महीना का हम लोग मोरेटोरियम भी करवा देते हैं कि आपका किस्ती जो है 2 महीना बाद से शुरू होगा। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए होता क्या है ना कि अभी जैसे सीजन ऑफ होने के बाद बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम हो जाती है कि सीजन ऑफ में काम वगैरह वैसा नहीं चलता है, तो उस केस में वहाँ पे EMI देने में प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे ये भी फैसिलिटी है कि EMI 2 महीने तक का आपका एक टाइम पीरियड मिल जाता है कि उस टाइम के बाद आप फिर से EMI दे सकते हैं। सर अगर डिस्काउंट या स्कीम का कुछ ऐसा कुछ आपके पास चल रहा है? मंथली डिस्काउंट आता है, जैसे अभी 31,65,000 रुपया है तो अभी 20,000 का अभी डिस्काउंट है। अभी हम लोग हर मंथ का अलग अलग आता है, कभी 20,000 आता है, कभी 15,000 आता है, कभी कुछ और दूसरा ऑफर आ गया, जैसे हम लोग विश्वकर्मा पूजा में गोल्ड का कॉइन्स वगैरह भी दिए थे, तो टाइम टू टाइम ऑफर आता रहता है। अभी हम लोग इंश्योरेंस फ्री दे रहे हैं मशीन के साथ। अच्छा, मीन्स इंश्योरेंस फ्री दे रहे हैं। तो गाइस ये इंश्योरेंस फ्री दे रहे थे, ये छोटा चीज़ नहीं है, अगर आप इतनी बड़ी व्हीकल का इंश्योरेंस कराने जाएंगे वो भी लाखों में होता है। सर एक बार क्या प्राइस होता है? नहीं, इंश्योरेंस एक्चुअली इसको, ये ऑफ रोड गाड़ी है ना, ये चूंकि रोड पे ज़्यादा चलती नहीं है, इसको हम लोग कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, तो इसमें इंश्योरेंस में बहुत नहीं 22,000 रुपया लगता है। 22,500, चलिए ये भी कोई कम बात नहीं है, 22,500 का आपको इंश्योरेंस फ्री में मिल रहा है, ठीक है, इसका कोई चार्ज नहीं है। जी बिल्कुल नहीं, हम लोग साथ में दे रहे हैं। सर एक बार शोरूम का एड्रेस बता दीजिए, अगर व्यूअर्स को आना हो तो कहाँ पे आएगा, प्रॉपर एड्रेस बता दीजिए। ये जो शोरूम है, इस शोरूम का नाम है ट्रेडविंग अर्थ मूवर्स, ये गहरा धनबाद जंगलपुर में सिचुएटेड है। आप यहाँ पर आकर के, यहाँ पे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, यहाँ पर आकर के आप हमारे सेल्स डिपार्टमेंट से मिल सकते हैं, सेल्स सर्विस स्पेयर किसी भी तरह का कोई दिक्कत है तो आप आकर के मिल सकते हैं। एंड सर ये जैसे ये व्हीकल अगर हम मशीन लेते हैं तो सर्विस भी यहीं होगा? नहीं नहीं, सर्विस जो है साइट पे जा करके होता है, हमारा इंजीनियर हर जगह रहता है, हमारा ये 8 डिस्ट्रिक्ट हम लोग यहाँ देख रहे हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट में हमारा ब्रांच है, हर जगह हमारा पार्ट्स है, हमारा सर्विस है, हमारा सेल्स का बंदा है, हम लोग वहाँ पे ऑन साइट जा करके सर्विस देते हैं, क्योंकि इतनी सारी मशीनें ला करके अगर कोई मेजर प्रॉब्लम है तब वो आ करके यहाँ पे कराती है।
ये बहुत बड़ी बात है, चूंकि ये होना भी चाहिए। अगर ऑन साइट में आपको सर्विस मिल रही है तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। एंड स्पेयर पार्ट्स वगैरह का अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो वो यहाँ पे इजिली मिल जाएगा, इसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, जेसीबी की इतनी मशीनें अभी तक हम लोग 4 लाख मशीनें बेच चुके हैं, मतलब इंडिया में 4 लाख हम लोग ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुके हैं। तो इतनी सारी मशीनें हैं कि पार्ट्स के लिए, जेसीबी पार्ट्स के लिए ही बिकता है कि ये आपका ब्रेक डाउन एकदम बहुत मतलब अगर हुआ तो आपको इमीडिएट सर्विस मिलेगा। और ट्रेडविंग अर्थ मूवर जो है सर्विस के मामले में काफ़ी एक्टिव है कि अगर कभी भी मान लिया कि सर्विस का इशू हो तो यहाँ तक हमारे बॉस, हमारे मालिक सबको इन्वॉल्व रहते हैं कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन मतलब द बेस्ट होना चाहिए। ये बहुत बड़ी गाइस है। और मैं पर्सनली विजिट किया शोरूम, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कोई भी वैसा चीज़ का कमी महसूस नहीं होने वाला। एट ए टाइम यहाँ पे बहुत ही 100-200 मशीनें तो एट ए टाइम यहाँ पे आपको मिल देखने को मिल जाएगी। यहाँ भी नहीं है, आप उस साइड भी देखेंगे तो वहाँ पे भी देखिए, बाहर में भी, रोड में भी, वहाँ पे भी मशीन लगी हुई है। इनफैक्ट मशीन रखने का जगह नहीं है यहाँ पे, हर एक जगह पार्ट्स को लेकर के, चाहे आप पार्ट्स बोल लें या फिर टोटल मशीन बोल लें, आपको एट ए टाइम मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन, कोई क्यूरियस हो तो मुझे सिंपल कमेंट भी करें, मैं वहाँ पर जरूर ट्राई करूँगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो गाइस आज के लिए इतना, मिलते हैं किसान फिटी में, तो तक ले जाएं।